सफलता की सामग्री में शिक्षा मुख्य तत्व। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रिद्धि भंडारी है और दैनिक उजाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे इस महामारी के माहौल में भी। अब मुद्दे की बात करते हैं। जल्द होगा स्कूल और कॉलेजेस का पर्दाफाश, या यूं कह लो कि जो लोग शिक्षा के नाम पर कारोबार चला रहे हैं अब उनके राज से पर्दा उठने जा रहा है। इस महामारी के माहौल में जहां लोग अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हैं, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सभी के कारोबार बंद थे और लोग अपना जीवन तंग हाली में गुजार रहे थे, वहीं स्कूल और कॉलेजेस फीस लेने से बाज नहीं आ रहे। उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, ना कि बच्चों की शिक्षा से। वे बेझिझक माँ बाप से पैसा कमा रहे हैं स्कूल फीस के नाम पर। और तो और, कुछ स्कूल वालों ने स्कूल बिल्डिंग में कॉलेज खोले हुए हैं, जिससे उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा लेकिन कमाई का पूरा साधन है। और उस बिल्डिंग का रेंट वो सिर्फ 300 से 400 तक ही भर रहे हैं और वहाँ से लाखों कमा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में साइकिल स्टैंड्स और प्लेग्राउंड्स की, जो कि सरकारी रूल के मुताबिक हर स्कूल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कई स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिना पार्किंग, या कह लो कि साइकिल स्टैंड्स और प्लेग्राउंड्स के बिना चल रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और आपको यहाँ और एक बात बता दें कि सरकारी रूल के मुताबिक स्कूल और कॉलेजेस में साइकिल स्टैंड और प्लेग्राउंड ना होना गैर कानूनी है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट ने आपको इस मुद्दे पर जागरूक किया होगा और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वह इस पर ठोस कदम उठाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक उजाला। धन्यवाद।